आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल है ये क्लास टेंथ का सेकंड चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन देंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो देंगे, उनमें रिलेशन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका जो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सबसे पहले हम डेफिनेशन देते हैं, व्हाट इज पॉलिनोमियल। एक्चुअली पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इज गिवन बाय ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ए एन इन टू एक्स रेज़ टू पावर एन। यहाँ जो ए नॉट ए वन ए टू ये कॉन्स्टेंट है ए एन, ये सारे के सारे रियल नंबर होते हैं और ये जो हाइएस्ट पावर है एन ये हमेशा क्या होती है, होल नंबर। इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हायर पावर का कोफिशियंट जीरो हो गया तो फिर वो डिग्री एन का पॉलिनोमियल नहीं होता। क्लियर हो गया क्या? अच्छा इससे एग्जाम्पल भी देते हैं, पी एक्स इक्वल टू जीरो वन टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन एक्स क्यूब प्लस वन एक्स रेज पावर हंड्रेड प्लस टू एक्स रेज पावर टू हंड्रेड प्लस वन बाई रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री एटसेट्रा। ये सब के सब पॉलिनोमियल है। आपने देखा होगा एक्स की जो पावर है वो हमेशा क्या है, होल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आप अपने आप भी बना सकते हो, जैसे व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल एफ, ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी, एफ एक्स इज वेरिएबल, एक्स क्या है वेरिएबल, ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन आर रियल नंबर, रियल नंबर, देन पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स रेज फोर एन। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां एन बिलोंग्स टू होल नंबर ए नॉट इक्वल टू जीरो, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन माइनस टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ए नॉट एक्स रेज फोर एन। यहां पे ये जो ए नॉट है ये कोई ए नॉट ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है जीरो को छोड़ के एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि अगर जीरो को ले लेंगे आप तो ये जो है एन डिग्री वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल डेफिनेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस फॉर्म और दिस फॉर्म वेयर ए नॉट ए वन दीज आर नथिंग बट रियल नंबर एंड एन इज होल नंबर। किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी पावर को ही हम पॉलिनोमियल की क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यहां हम जो जनरली पढ़ेंगे टेंथ क्लास में टेंथ स्टैंडर्ड में वो है लीनियर पॉलिनोमियल, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोलते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब सुनिएगा ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, वन है। या इसका ग्राफ आप ड्रा करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, ऐसी कोई एक ऐसी लाइन मिलेगी, ये लाइन। ये जो दूसरा वाला है ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू। पॉलिनोमियल को दो तरीके से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, या तो उसकी डिग्री के बेस पे या फिर उसमें कितने टर्म है। तो इसमें जो है जो डिग्री है वो टू है, इसलिए इसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, या फिर इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अब जैसे ये है इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री बोल सकते हैं। ऐसे हाईएस्ट पावर अगर फोर हो तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फोर, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टेन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। अब होती है बात किसकी, जीरोस की, व्हाट आर जीरोस। अब ये जीरोस क्या होते हैं, जीरोस जो होते हैं
इन्हीं को हम बोलते हैं, अगर आप इनको सबको जीरो के इक्वेट कर दो, जीरो से इक्वेट कर दो, मतलब इक्वल टू जीरो कर दो, इक्वल टू जीरो कर दो, इक्वल टू जीरो, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है और ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाता है अगर हम इनको जीरो से इक्वेट कर दे तो। देखिए चाहे जीरो बोलो आप, चाहे उसी को रूट्स बोलो, चाहे आप सोल्यूशन बोलो, सोल्यूशन बोलो, और चाहे आप वैल्यू ऑफ एक्स बोलो, क्या बोलो, वैल्यू ऑफ एक्स, सारे की सारी बातें एक ही फैक्टर को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो अब यहां देखिए ये लीनियर, ये है आपका लीनियर पॉलीनोमियल, तो आप इसको अगर इक्वल टू जीरो कर दें तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही जीरो है या यही रूट है, क्या होता है रूट, या यही सोल्यूशन है या यही एक्स की वैल्यू है, क्लियर हो गई। अब यहां देखिए दूसरा है आपका पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आप इसको जीरो से इक्वेट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। जब आप क्वाड्रेटिक में जाएंगे तो मैं इसको बताऊंगा कहां से आया है। तो यहां देखिए x की दो वैल्यूज हो गई, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, इसी को हम अल्फा नाम देते हैं, और x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, इसी का नाम हम बीटा देते हैं। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं, ये प्लस वाला पार्ट माइनस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी और माइनस बी, ये माइनस टू बी अपॉन ये कितना आ जाएगा टू ए, इस तरह से माइनस बी अपॉन ए मिल जाएगा। अब अगर आप इनको तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का आइडेंटिटी लगा के डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, तो ये आपको दे देगा इक्वल टू सी अपॉन ए, इसी को बोलते हैं सम आप जीरोस बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, समझ गए होंगे आप, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसी में और आगे आप देखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, ये आप समझ में आ गया होगा सम ऑफ जीरोस कहां से आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहां से आता है, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब अगर आपको जीरोस दिए हो, क्या दिए हो, जीरोस, सपोज करिए कोई पॉलीनोमियल है, एक पॉलीनोमियल है पी एक्स है, उसके जो जीरोस है, जीरोस या रूट्स जो भी आप कहें, अल्फा एंड बीटा है, वो पॉलीनोमियल क्या होगा वो देख लीजिए, पी एक्स इक्वल टू चाहे आप एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखें या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस पी लिखें, यहां एस मीन्स होता है सम ऑफ जीरोस और पी इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एस मीन्स सम ऑफ जीरोस, पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यह आप इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, या बुक में आपने दिया है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो चेंज इन पॉलीनोमियल। अब ये क्यों के क्यों लेते हैं, जब ये आपके फ्रैक्शनल हो जाते हैं जैसे 2/3 4/5 ऐसे केसेस में अपान में कुछ आता है, वो जो अपान में आता है उसको हम आर्बिट्री मान के छोड़ देते हैं, क्योंकि जब आप उसको जीरो से इक्वेट करते हो तो वैसे भी वो उधर जाके क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की। अब आपको क्यूबिक पॉलीनोमियल बताते हैं, सपोज करिए कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब है प्लस बी एक्स स्क्वायर है प्लस सी एक्स है और प्लस डी, ठीक, और इसके जीरोस हैं, जीरोस आर अल्फा है बीटा है और गामा है। तो जैसे क्वाड्रेटिक में आपको होता है, क्वाड्रेटिक में आपने देखा होगा अल्फा प्लस बीटा, ये जो सॉरी अभी बता देंगे, यहां देखिए ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है,
इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। अगर अल्फा बीटा गामा इसके तीन जीरोस हैं, इफ देयर आर थ्री जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा और क्यूबिक पॉलीनोमियल दिस, देन अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखिए दोनों को कंपेयर करिए, यहां भी माइनस बी अपॉन ए है, यहां भी माइनस बी अपॉन ए है, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए हो गया, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये अल्टरनेट चलता है, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए और डी अपॉन ए, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा। तो ये तो आपके यहाँ कोर्स में है नहीं टेंथ में, लेकिन फिर भी अगर आप इसको क्या करते हैं लर्न कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन हैं जो वो करवा देते हैं, तो उसको आप अच्छे से कर लें, क्लियर। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपको ग्राफ दिया है, जैसे सपोज करिए ये ग्राफ ये है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऐसा, ये अपवर्ड पैराबोला होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपवर्ड पैराबोला है। इसमें जो ए है ये ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ये ओपन होगा आउटसाइड, ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है या अपवर्ड पैराबोला है। अब आप देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, दिस वन इज डाउनवर्ड पैराबोला। अब यहां देखते हैं, अब अगर कोई ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस, और ये एक y इक्वल टू एफ एक्स है, अब ये x एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करता नहीं है। जब कोई भी ग्राफ या कोई भी कर्व का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट न करे तो उसके कोई भी जीरोस नहीं होते। यहां देखिए ये वन, ये आपका टू, ये थ्री और ये फोर, यहां पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो एक्चुअली जहाँ टच करता है वहां दो जीरोस इक्वल होते हैं, लेकिन हम सपोज करते हैं वन, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, तो इस तरह से इसके कितने हो गए, फोर, फोर जीरोस हो गए, वन टू थ्री फोर जीरोस। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है और ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बनने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से बहुत अच्छे से, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स देन फाइंड, पहला है वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, सेकंड वन इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, थर्ड वन इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, नेक्स्ट वन इज अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, एंड नेक्स्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये फर्स्ट है, सेकंड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ। ओके, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, तो इनको मैं करा देता हूं। ओके, देखिए कैसे, गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ओके, अब आपको पहले से पता है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस बी अपॉन ए, तो यहां पे माइनस माइनस फाइव अपॉन ए क्या होगा, वन, ये हो जाएगा फाइव अपॉन वन। ओके, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना है सिक्स, सिक्स अपॉन वन, ये आ गया सिक्स और ये आ गया फाइव। अब आप एक एक करके इलेवन, ये सब एट क्लास की आइडेंटिटीज हैं, आप पढ़ चुके हो, नाइन्थ में भी पढ़ चुके हो, अब आप उनको अप्लाई करते जाओ और आपको आंसर मिलता जाएगा। जैसे पहले वाला फर्स्ट वन, वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा,
अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इनटू बीटा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। ओके, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा, फाइव, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या आएगा, सिक्स, यही आएगा। ओके, दूसरा देखिए, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या कर देंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल अपॉन अल्फा इनटू बीटा। अब देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही आएगा, इज इक्वल टू, ये याद रखिए, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर था तो ये पूरा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, और ये आपका माइनस टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना था आपका, फाइव, तो फाइव स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा क्या है आपका, सिक्स, होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या है, सिक्स, ये ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेल्व अपॉन सिक्स, ये थर्टीन बाई सिक्स आपका क्या आ गया आंसर। तो बहुत सरल क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप क्या करते हैं इनको इजी वे में लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस हो गया। तो इनको आप क्या करें, नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ अगला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज हाँ ये है आपका थर्ड, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। ओके, अब देखिए आपको जनरेट क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये पूरे के पूरे ए बी दो सेट है और इधर है सी और डी, ये पूरे चार सेट अगर मैं करा दिया तो पूरा पॉलीनोमियल एकदम आपका पक्का हो जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही जनरेट करना है, क्यों जनरेट करना है, क्यों, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की ही वैल्यूज पता है। क्या देखिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, दूसरे में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा, यही है। लेकिन आपको तो फिर से पता है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आप देखोगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इसका माइनस टू अल्फा बीटा और एक अल्फा बीटा इसका अल्फा बीटा, अगर इनमें पता आया हो तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये यहाँ देखिए ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, एक्चुअली यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है ट्रांसफर करोगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये होगा अलग से, ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा दूसरे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा बीटा। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा बीटा होल अपॉन अल्फा बीटा। अब आप क्या करिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फाइव रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या रखेंगे आप, सिक्स, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इसको रख के वैल्यूज और आपको बताइएगा किसका आंसर कितना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा को आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, और यहाँ अब भी बताया था क्या लिख सकते हैं आप,
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और ये आपका प्लस अल्फा बीटा ऑलरेडी है। सारी वैल्यूज आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फाइव आएगा क्योंकि माइनस बी अपॉन ए होता है। फाइव स्क्वायर माइनस फोर इंटू सिक्स दूसरे ब्रैकेट में आएगा, फाइव का होल स्क्वायर माइनस, याद देखिए माइनस टू अल्फा प्लस अल्फा बीटा, तो क्या दे देगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, सिक्स थी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है तो बहुत सिंपल सा, 25 माइनस 24 और यह है 25 माइनस 6। याद रखिए ये वन आपका वन का रूट वन होता, कोई मतलब नहीं, यहाँ से 19 आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेप्ट, सब की सब बातें आपके कॉन्सेप्ट पे क्या करती हैं, डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, शायद ये बच्चा है क्या, नहीं हो गया। अब आपसे और पूछ सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन, अल्फा रेज पावर फोर प्लस सॉरी माइनस बीटा रेज पावर फोर प्लस नहीं पूछ सकता है। अब देखिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं, अल्फा रेज पावर फोर माइनस बीटा रेज पावर फोर, फार्मूला आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो देखिए क्या होगा, अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे आप, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ यू नो हाउ टू स्प्लिट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एंड हाउ कैन एक्सप्रेस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेट अस सी, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यू आल्सो नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, दिस वन कैन रिटन एज अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। नाउ पुट अल्फा प्लस बीटा, दैट इज ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फाइव है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सिक्स, ये आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 24 इंटू अल्फा प्लस बीटा दैट इज फाइव, इस ब्रैकेट में आएगा फाइव स्क्वायर माइनस टू इंटू सिक्स। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ना समझ में आए तो फिर से आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राइट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, राइट क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल, उसमें पहला कंडीशन है सम ऑफ whose zeros are 2√3 and their product is 2। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं सीबीएसई में 10th क्लास में। अच्छा, ये दो तरीके से पूछे जाते हैं, या तो जीरोस सेपरेटली दे देगा, सेपरेट जीरोस, जैसे 2 दे दिया माइनस 2 दे दिया, रूट 2 दे दिया माइनस रूट 2 दे दिया, या 2 दे दिया 5 दे दिया, या 2 प्लस रूट 2 दे दिया 2 माइनस रूट 2 दे दिया, ये जीरोस दे दिया। तो आपको जीरोस अल्फा बीटा दिया है, आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा निकालना होगा, पर हमारे इस वाले केस में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा दोनों गिवन है। लुक हियर, गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2√3, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितना दिया है अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 2, बिनो नहीं जानते हो फिर भी लिखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 2√3 एक्स, ये कितना है आपका 2, तो यही आपका क्या हो गया, ये पॉलीनोमियल
बन गया। ठीक, दूसरे केस में दूसरा क्वेश्चन है, whose zeros are root 2 and minus root 2। अब देखिए यहां पे आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था, यहां आपको अल्फा और बीटा दिया है, सम और प्रोडक्ट आपको निकालना होता है। तो देखिए कैसे, लेट अल्फा इक्वल टू रूट टू, बीटा इक्वल टू माइनस रूट टू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रूट टू माइनस रूट टू, प्रोडक्ट सम क्या आया जीरो, अल्फा इंटू बीटा रूट टू माइनस रूट टू कितना आएगा, रूट टू का रूट टू से इंटू करोगे तो टू हो जाएगा, यही आया। इसलिए ये जो आपका पी एक्स आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखिए पी एक्स क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा तो आपको जीरो मिला तो जीरो एक्स हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या मिला था माइनस, तो ये आपको आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो देखा आपने दो क्वेश्चन पूछा, एक में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था, एक में जीरोस दिए थे आपको सम और उनका प्रोडक्ट निकालना था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लीजिए आपसे, ये था कि जो आपको ये इरेशनल जीरोस होते हैं, इरेशनल रूट या इरेशनल जीरोस होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, किसमें आते हैं पेयर में। तो आप आंख बंद करके कभी अगर आपको एक जीरो दिया है पॉलिनोमियल का कि अल्फा इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री, कोई पूछे दूसरा क्या होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख देना है टू प्लस रूट थ्री। लिसन अगेन, इफ वन जीरो इज टू माइनस रूट थ्री, सेकेंड वन इज टू प्लस रूट थ्री। अगर एक जीरो है टू प्लस रूट थ्री तो दूसरा टू माइनस रूट थ्री 100% होगा। लुक हियर, इफ अल्फा इक्वल टू रूट टू इज वन जीरो, अदर इज जीरो विल बी माइनस रूट टू। एक जीरो अगर आपको इरेशनल दिया है तो दूसरा उसी का पेयर होगा, ये हमेशा अपने कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। ये तो हमने इरेशनल के बारे में बताया, आप सुनिए कभी इमेजिनरी रूट मिल जाए, जैसे अल्फा इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी मिल जाए तो दूसरा जीरो 100% बीटा इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होगा। तो याद रहेगा इमेजिनरी जीरोस और इरेशनल जीरोस ये हमेशा अपने क्या आते हैं पेयर में आते हैं, तो ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर कोशेंट रिमाइंडर व्हेन, व्हाट आर क्वेश्चन लिखने पहले व्हाट आर रिमाइंडर, रिमाइंडर एंड कोशेंट या कोशेंट, कोशेंट व्हाट आर रिमाइंडर एंड कोशेंट व्हेन, व्हेन 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x2 प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3y/x2 प्लस 3x प्लस 1। आल्सो चेक, आल्सो चेक वेदर डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर। अगर आपको याद हो वो जो यूक्लिड डिवीजन ले पाए वो क्या बोलता है, अगर आप a को b से डिवाइड करते हो क्यू कोशेंट है r रिमाइंडर है तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r आता है, बिल्कुल वैसे ही इसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ये भी बिल्कुल यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसा है लेकिन इसको क्या बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, ये हिंदी में बोलते हैं भाजक भाज भजन फल शेष। तो आपको हिंदी में याद करना है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये आपको याद ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है, लेट पी एक्स इक्वल टू क्या है आपका 3x^4 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ओके यही है। उसके बाद है आपका जी एक्स, जी एक्स है आपका x² प्लस 3x प्लस 1,
अब इससे हम क्या करेंगे, ये डिवाइजर है इससे डिवाइड कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे हम 3x रेज पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस इसको डिवाइड करते हैं। अब अधिकांश बच्चों से डिवाइड नहीं करते बनता, आप इसको थोड़ा सा डिवाइड करिए और देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए बहुत सरल है, x की पावर 4 है, 4 और इसकी पावर क्या है 2, माइनस करेंगे तो x की पावर 2 आएगा, तो इतने टाइम ले जाएंगे। यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है, लेकिन आपको तो 3 चाहिए, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 3 x रे टू पावर 4, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 जा 9 x क्यूब, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x स्क्वायर। अब देखिए डिवीजन में हमेशा जो भी आता है हमको, ये प्रोडक्ट जो भी आता है उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं प्लस करते हैं। सिंबल चेंज कर दो, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, दे गेट कैंसिल। अब यहाँ देखिए एक बड़ा नंबर है, अब 9 निगेटिव है और 5 पॉजिटिव, सिंबल हमेशा बड़े नंबर में लेते हैं। अब 9 में से 5 जाएंगे 4 x क्यूब, दोनों निगेटिव है, अब ये प्लस नहीं रहा माइनस हो गया, 7 और 3 क्या हो जाएगा माइनस 10 x स्क्वायर प्लस 2x, और ये क्या आ गया आपका प्लस 2। अब हमको देखिए सबसे पहले क्या करना है, माइनस 4 चाहिए तो 4 टाइम ले रहे। अब हमको चाहिए पावर 3, यहाँ पावर 2 है तो 3 माइनस 2 कितना होगा 1, तो x टाइम ले रहे, और इस माइनस 4x का, इसका नहीं माइनस 4x का इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x क्यूब ही आएगा। यहाँ करोगे 4 3 जा 12 आएगा, अपोजिट साइन थे तो माइनस आएगा, और ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ओके माइनस 4x सिंबल चेंज कर दो, प्लस प्लस प्लस, ये गेट कैंसिल, यहां से आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर, यहां से आपको मिल जाएगा 4 2 कितना हो गया 6x, और ये प्लस 2 है। अब क्या करते हैं आप देखिए, यहां पे हमको चाहिए 2x स्क्वायर, क्या चाहिए 2x स्क्वायर, तो हम यहां क्या करेंगे 2 टाइम लेंगे, ये 2 टाइम लेंगे, 2 बन जा 2x स्क्वायर, 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6x प्लस 2। अब देखिए आप माइनस माइनस माइनस, ये एग्जैक्टली क्या है डिविजिबल है, तो आप यहां देखिए ये पूरा पूरा क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो अब आप उसको चाहें तो यहां कहीं लिख लेते हैं, चलिए ऊपर लिख देते हैं px क्या है आपका x स्क्वायर, फिर ये 3x की पावर 4 3x रेज टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये इक्वल टू आ जाएगा, ये डिवाइजर कौन सा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इनटू क्वोशेंट क्या है, चलो देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस 2 है और रिमाइंडर आपका 0 है, ये आपका px है, दिस वन इज qx इनटू क्या आ गया ये rx, तो यही था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू डिवाइजर, एक मिनट ये gx था gx इनटू qx और ये था आपका rx, तो ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका कोशेंट और ये है रिमाइंडर, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इस पैटर्न में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप नोट जरूर कर लें, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया करें, ओके नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और उसके बाद फिर क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट इज इफ इफ एक्स प्लस ए इज if x plus a is factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, yeah, find value of
वैल्यू ऑफ ए, ये जो ए है उसकी क्या करना है आपको, वैल्यू निकालना है। इसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकता है, कैसे, इफ एक्स इक्वल टू माइनस ए इज जीरो, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, जीरो ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस टेन, देन फाइंड ए। कैसे, इनसे सरल कोई क्वेश्चन नहीं होता। सुनिए, कभी भी पॉलीनोमियल दिया हो और उसका कोई जीरो दिया हो, जीरो पॉलीनोमियल को जीरो बना देता है। यहाँ दो जीरोस हैं, एक जीरो मतलब रूट और एक जीरो मतलब नल या जीरो या वाइट, वही जो शून्य होता है आपका शुद्ध, वन के पहले आता है जीरो, वही। तो यहाँ देखिए आपको गिवन क्या है, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन गिवन है आपको, गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस टेन। अब देखिए एक्स प्लस ए एक फैक्टर, अगर ये फैक्टर है तो एक्स इक्वल टू माइनस ए एज जीरो हो जाएगा। कैसे हुआ, यहाँ देखिए एक्स प्लस ए को जीरो से पुट कर लेते हैं तो माइनस ए आ जाता। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो पी माइनस ए इक्वल टू जीरो, अब ये जीरो कर देगा, क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर था, एक्स प्लस ए फैक्टर था, डिवाइड करते तो रिमाइंडर जीरो आता, या एक्स इक्वल टू माइनस ए कर देंगे तो इसको जीरो कर देगा, रिमाइंडर थ्योरम आप नाइन्थ में पढ़ चुके हो। तो यहाँ देखिए इम्प्लाइज टू इंटू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस टू ए माइनस ए प्लस फाइव इंटू माइनस ए प्लस टेन इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा टू ए स्क्वायर, यहाँ देखिए अपोजिट सिंबल रहे तो माइनस आता है, टू ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस टेन, दे गेट कैंसिल इक्वल टू जीरो पहले से था। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, जीरो इक्वेट करके नहीं चलते, इसीलिए उनको प्रॉब्लम होती है बाद में। माइनस फाइव ए इक्वल टू माइनस टेन, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, टू आ गया। तो यही था आंसर, ये बहुत इजी रहते हैं। हाँ हमने बताया आपको, अब आप ए इक्वल टू क्या रख दीजिए, यहाँ पे टू रख दीजिए, रख दीजिए, और ये क्या हो गया एक्स प्लस टू, इससे इसको डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर आपको 100% जीरो मिलेगा, रिमाइंडर क्या आएगा जीरो। अगर किसी पॉलीनोमियल का कोई दूसरा पॉलीनोमियल, भले लीनियर हो क्वाड्रेटिक हो कोई भी हो, अगर वो उसका फैक्टर है तो उससे डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर को जीरो कर देगा, क्या कर देगा, रिमाइंडर को जीरो कर देगा। और अगर कोई जीरो दिया है तो उस पॉलीनोमियल को क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा। बिल्कुल जैसा नेचर इस क्वेश्चन का था वैसा नेचर मेरे अगले क्वेश्चन का है। देखिए इफ वन इज जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू माइनस थ्री ए माइनस वन एक्स माइनस वन फाइव ए। देखिए ज्यादा उसमें कुछ लॉग लिमिट नहीं करना है, नथिंग टू डू, जस्ट पुट एक्स इक्वल टू वन इन गिवन पॉलीनोमियल। तो सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन गिवन है आपको, ऐसे लिखा करें आप पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू माइनस थ्री ए माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, पुटिंग एक्स इक्वल टू वन, मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक्स इक्वल टू वन क्या है, जीरो है। अब कोई पूछे इसका फैक्टर क्या होगा, इसको इधर ले आओ तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसलिए एक्स माइनस वन इज फैक्टर। तो चाहे आप एक्स माइनस वन से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर को जीरो कर दें, या फिर पुट वन, ये पुटिंग वन इजी है। तो रख दिया हमने वन, वन रखोगे तो ए इंटू वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू वन माइनस वन, ये आया, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ये आएगा ए माइनस वन, एक्स की जगह वन रखना था माइनस वन, इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाई ये तो ए ही रहेगा। यहाँ देखिए ये माइनस थ्री ए और माइनस थ्री आएगा, वन से मल्टीप्लाई करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, माइनस का थ्री ए प्लस का ए तो क्या मिलेगा, माइनस का टू ए माइनस का फोर इक्वल टू जीरो। अब देखिए टू से डिवाइड कर दीजिए तो चलिए माइनस टू ए इक्वल टू ये फोर आ जाएगा, ए इक्वल टू माइनस टू, ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लीजिएगा जरूर, कई बार जरूरी नहीं है कि टीचर हमेशा राइट हो, कभी कभी रॉन्ग हो। ओके।
तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन। इसके पहले वाला क्वेश्चन कौन सा? ए बाई एक्स प्लस ए इज फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। फाइंड ए, ए बाई एक्स प्लस ए इज फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, देन फाइंड ए। और दूसरा भी बिल्कुल इसी नेचर का था, इफ 1 इज 0 ऑफ px इक्वल टू ax क्यूब माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू x माइनस 1 फाइंड ए। तो बहुत सरल था। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आपको मैंने ट्रिक बताया था, शॉर्टकट बताया था और उसी पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया, पूछ लिया ना। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इफ इफ 1 0 ऑफ x² माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट थ्री, राइट अदर जीरो। केवल अदर जीरो लिखना है, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आपके दिमाग में तो लगाना ठीक। तो क्या गिवन है? गिवन लेट, चाहे x लिखे चाहे x1 लिखे चाहे अल्फा लिखे, कुछ भी किसी से भी डिनोट कर दो, जरूर नहीं कि अल्फा से करो। 2 प्लस रूट थ्री, अदर जीरो क्या हो जाएगा? अदर जीरो इज बीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री। अब कोई बहुत बड़ा जोधा आ गया आपसे बोलता कि नहीं नहीं हम कैसे मान लें कि यही है, तो बोल देना भाई साहब चेक कर लेते हैं। लीजिए चेक कर लेते हैं, चेक। अगर एक अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री है, बीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री है, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? गेट कंसील्ड 4 आएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? 2 प्लस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री, 4 माइनस थ्री कितना आया? 1। पी एक्स कितना आएगा? देख लीजिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया था आपका? माइनस 4 आया था एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या आया था? 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1। देखिए वही पॉलीनोमियल आया कि नहीं आया? देखिए मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया था? हाँ, ये एक्चुअली पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये क्या आ गया? नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव। देखिए वही पॉलीनोमियल आ गया। तो अगर आप ढंग से करते हो, सॉल्व ठीक ठाक करते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आपके यहाँ सीबीएसई में पूछा तो नहीं जाएगा टेंथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन वो 11 में पूछा जा सकता है, लेकिन देख लीजिए। इफ क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ x³ - 1 - 1 + √3 i / 2 राइट अदर। अब भी आपको बताया था मैंने कॉन्सेप्ट, जब भी इमेजिनरी रूट्स हों, इरेशनल रूट्स हों, दे ऑलवेज आकर इन देयर कंजुगेट पेयर। तो यहाँ देखिए, अगर आपका अल्फा इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू है, तो ये तो बीटा होगा और माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू होगा। अपॉन क्या होगा? 2 होगा। तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है मेरा, इस सेट के मैं सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपको, ठीक। फिर आगे का जो बी सेट है उसको मैं किसी दूसरे पार्ट में आपको दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, फाइंड पॉलीनोमियल। देखिए कितना सरल सा है, आपको अल्फा प्लस बीटा भी दे दिया, अल्फा बीटा नहीं दिया, सीधे उनका सम दे दिया, सीधे प्रोडक्ट दे दिया, आपको तो वैल्यू रख देना है। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन लिखेंगे आप, बाकायदे लिखेंगे गिवन, गिवन में आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, वी नो नहीं जानते हो तब भी लिखा करो। क्या पी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस या आया 6x और प्लस क्या आ गया? 4। खत्म कहानी इसकी, क्लियर हो गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है,
तो उसको करते हैं, ठीक है ना। ये तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद हो गए होंगे, कम से कम 2 से 3 बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और ये सीरियसली पूछता ही है, या तो आपको जीरो दे देगा या फिर उनका सम और प्रोडक्ट, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो यू आर टू अलर्ट फॉर बोथ कंडीशन, आपको दोनों कंडीशन के लिए तैयार होना चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। भाई लिखना तो पड़ता है ना, फिजिकली इसलिए बोल दिया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, ठीक, ये पार्ट वन है हमारा वीडियो, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ इफ टू जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल एक्स रे टू पावर 4 प्लस 3 एक्स रे टू पावर 3 माइनस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 36 आर रूट 2 एंड माइनस रूट 2, फाइंड अदर जीरोस। पता नहीं इस क्वेश्चन को देख के बच्चे घबराते क्यों। अरे भाई साहब, पावर कितना है 4, सीधी सी बात है कितने जीरोस होंगे 4, दो जीरोस दिया है, दो जीरोस अगर किसी पॉलीनोमियल के दिए हों तो पॉलीनोमियल निकाल लेते हैं, वही जो पॉलीनोमियल आएगा वो डिवाइजर हो जाएगा, डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे तो जो कोशेंट आएगा, रिमाइंडर नहीं कोशेंट आएगा, रिमाइंडर तो जीरो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, जीरोस, जब जीरोस दिए रहे तो उससे जो पॉलीनोमियल बनता है वो क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है गिवन पॉलीनोमियल का, तो रिमाइंडर तो जीरो आएगा ही, यहाँ जो कोशेंट आएगा वो आपको क्या करेगा, एक जीरो बता देगा। तो देखिए सॉल्यूशन बहुत सरल सा है, मैं करा देता हूँ। p x इक्वल टू क्या आया, x रे पावर 4 3 x क्यूब माइनस 20 x स्क्वायर माइनस 6 x प्लस 36 ये गिवन है, और क्या दिया है, जीरोस, दो जीरोस दिए हैं आपको, क्या दिया है, अल्फा इक्वल टू रूट 2 बीटा इक्वल टू माइनस रूट 2, इसलिए अब देखिए इससे हम ऐसे डायरेक्टली बना सकते हैं, जी एक्स जो डिवाइजर है वो हो जाएगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये आ गया x माइनस रूट 2 और x माइनस माइनस फिर करोगे रूट 2, ये आ जाएगा x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2, चाहे ऐसे कर लीजिए, नहीं तो ये देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो एक्स हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू, मैंने दोनों बता दिया, अब आपको जिससे करना हो उससे कर लेना, ठीक। अब सुन लीजिए, अब आपको क्या मिल गया है, एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये डिवाइजर है आपका, क्या है, डिवाइजर, तो चलिए कर देते हैं, इसको आप नोट कर लो, तो मैं इसको रब कर दूं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस टू से आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक, तो याद रखिए डिवाइड कर देते हैं, ठीक, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स रेज पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यूब माइनस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 36, यही है, इससे डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा वही आपका अगला डिवाइजर दे देगा। देखिए कैसे, पावर 4 चाहिए, 2 है, 2 की और जरूरत है, 2 की और आवश्यकता है, नीड है, 4 में से 2 जाएंगे 2, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 4 आ जाएगा, और माइनस 2 एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये है माइनस 2 एक्स स्क्वायर, सिंबल चेंज कर दोगे यहाँ प्लस आ जाएगा, गेट कैंसिल, तो यहाँ आपको मिलेगा 3 एक्स क्यूब, यहाँ से मिलेगा आपको माइनस 18 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 36। अब देखिए आपको 3 एक्स क्यूब जनरेट कर रहा है, तभी तो ये कैंसिल होगा, यहाँ यह है क्या 3 नहीं, तो पहले तो आप 3 लिख दीजिए, अब आपको 2 पावर है, 1 पावर की और जरूरत है, यस, तो 3 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स, हाँ यहाँ देखिए 3 2 जा 6 माइनस 6 एक्स आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, गेट कैंसिल 18 एक्स स्क्वायर प्लस 36 है, माइनस 18 टाइम ले जाओगे माइनस 18 एक्स स्क्वायर प्लस 36 और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है। अब देखिए इसलिए क्या हो, अच्छा पावर 4 था,
दो जीरोस आपके पास थे, अब दो जीरोस दे देगा, तो जो आपका ये क्यू एक्स है, वो जो क्यू एक्स है आपका वो है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और ये है माइनस 18। अब देखिए यही से कुछ आपका बन सकता है, 6 3 18, इसको 9 में पढ़ाया था हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इंटू सी को ऐसा ब्रेक कर स्प्लिट करते हैं, इसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि ऐड करें तो बी आए और मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू सी। तो देखिए यहाँ ए क्या है 1 है और ये क्या है 18 है, उसका सिंबल चाहे देखो चाहे न देखो, क्योंकि हम तो फैक्टर पता करने के लिए कर रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हो आप, 9 × 2 भी लिख सकते हो और 3 × 6, ये जो 3 × 6 है वो आपको 3 प्रोवाइड करता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18। फिर से सुन लीजिए, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, इसलिए जो मैंने लिखा है वो ट्रू है। अगर मैं 9 × 2 में लेता तो ये नहीं आता, ये आ जाएगा x कॉमन x प्लस 6 माइनस 3 कॉमन आ गया x प्लस 6, तो एक फैक्टर हो गया x माइनस 3 x प्लस 6, तो एक जीरो हो गया x इक्वल टू 3 और x हो गया माइनस 6। तो ये आपका हमने सेट ए करा दिया है, एक बार मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए, ये सेट ए है, सेट बी है, कल मैं सेट बी कर दूंगा, उसके बाद फिर ये आपका सेट सी है और सेट डी। अगर आप ये 4 सेट कर लेते हैं, अगर ये आप 4 सेट कर लेते हैं तो पॉलीनोमियल कहीं भी पढ़े आप, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने के लिए जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।